बच्चों देखिए, आज की क्लास में हम आपको बताते हैं कि मान लीजिए आपको अगर चोट लग जाए, ठीक है, अगर चोट लग जाए आपको, तो कैसे आप अपने घर पे ही बड़े लोगों के गाइडेंस में आप अपने से थोड़ी चोट का इलाज कर सकते हैं। तो आप लोग तैयार हैं इसके लिए? चलिए, अब मान लीजिए देखिए, नितेश को यहाँ पे चोट लग गई है। चोट लग गई है ना? यस सर। दुख रहा है बेटा? चोट लग गई है। तो चलिए देखिए, इसको आप सबसे पहले क्या करेंगे कि आपको जो घाव लगा है उसको आप साफ पानी से धुल लीजिए। कैसे धुल लीजिए? साफ पानी से। ठीक, तो मान लीजिए इन्होंने साफ पानी से धुल लिया है। अब उसके बाद क्या करना है आपको, ये मैंने क्या लिया है, कॉटन लिया है ना? यस सर। और ये हमारे पास क्या है, सेवलॉन है। ठीक है, आप क्या करिए, सबसे पहले अपने घाव को सेवलॉन से पोछेंगे हम लोग। ठीक है, ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि इस घाव पे जो गंदगी हो, जो कीटाणु हो, वो हट जाए, है कि नहीं? यस सर। तो इस तरह आपने साफ कर लिया इसको। ठीक, उसके बाद ये आपने इसको साफ कर लिया, इसको हम लोग डस्टबिन में फेंक देंगे। अब इसको हम लोग बंद करेंगे। ठीक, फिर क्या करना है, हम लोग को इस पे पट्टी लगानी है। क्या करना है? पट्टी लगानी है। तो पट्टी लगाने के लिए देखिए, मेरे पास व्हाइट वाली पट्टी है ना? यस सर। ये जानिए कि जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्राथमिक चिकित्सा है। क्या है? प्राथमिक चिकित्सा, मतलब आपको डॉक्टर के यहाँ जाने के पहले आप ये काम कर लेंगे तो आप ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। डॉक्टर से कंसल्ट तो आपको करना ही पड़ेगा, है ना, आप खुद डॉक्टर नहीं बन जाएंगे। तो देखिए, इसके लिए क्या करना है, हम लोग पट्टी कैसे बनाते हैं। देखो, एक तरीका आप ये सोच रहे होंगे कि हम लोग डायरेक्ट रुई लगा दे इस पे, है ना, लेकिन उससे अच्छा ये होता है कि पहले हम लोग रुई को एक ऐसे पट्टी में, हम लोग ये देखिए, हमने रुई लिया, इसको ऐसे पट्टी में रखा और इसको हमने ऐसे कर लिया। ठीक है, इससे क्या फायदा होगा कि घाव में आपका ये चिपकेगा नहीं। कई बार चिपक जाता है तो आप लोग को जब उछाड़ने में दिक्कत होती है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे पास एक क्रीम है, इस तरह से कई सारे क्रीम आते हैं, सिप्लाडीन आता है, बेटाडीन आता है, तो ये मैंने क्रीम निकाला है ना। अब इस क्रीम को हम लोग क्या करेंगे, इस कॉटन पे, इस पट्टी पे लगाएंगे। देख रहे हैं आप लोग, ये देखिए मैंने ये क्रीम यहाँ से निकाला, ये निकला है। ठीक, इसको बंद कर दो बेटा। और इसको अब हम लोग क्या करेंगे, इस घाव पे हमने इसको ऐसे रखा, रख लिया। ठीक है, इसको पकड़े रहो बेटा हाथ से हल्का सा, हाँ ये है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पे हम लोग पट्टी बांधेंगे। अपना हाथ ऊपर करिए, थोड़ा सा हाथ, ये वाला हाथ ऊपर करिए, हाँ। और ये हमने इसको ऐसे लिया और इसको ऐसे घुमा के, अब हम लोग हाथ घुमाओ, है ना। अब यहाँ से आप इसको काट दीजिए, थोड़ा पकड़ो मुस्कान। ठीक है, और इसके बाद आप एक गांठ लगा देंगे इस पे। तो अब आपका जो घाव है वो सुरक्षित भी है, और अब ये घाव आपका बाहर, सीधा करिए अपना, बन गई पट्टी। यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से ये छोटी छोटी चीजें आपके पास अपने घर में होनी चाहिए, है ना। इसको हम लोग कहते हैं प्राथमिक चिकित्सा। क्या कहते हैं? प्राथमिक चिकित्सा, मतलब डॉक्टर के यहाँ जाने से पहले, भाई अगर ज्यादा खून बह रहा है तो आप पहले कुछ कंट्रोल करेंगे तब न जाएंगे, नहीं तो तुरंत डॉक्टर के यहाँ जा नहीं पाएंगे आप, है ना। तो आप पहले इतना काम करके थोड़ी सी चिकित्सा आप अपने घर पे कर लीजिए, उसके बाद तब किसी बड़े के साथ अपने डॉक्टर के यहाँ जाइए। तो इस तरीके से अगर आप अपने घर पे छोटी छोटी चीजों को एक बक्से में बना के आप रखेंगे तो इससे आपको बहुत सुविधा मिलेगी। तो आप लोग ऐसा काम करेंगे? यस सर। तो कुछ छोटी छोटी चीजें, कुछ दवाएं, जैसे डेटॉल हुआ, सेवलॉन हुआ, कॉटन हुआ, पट्टी हुआ, और इस तरह से क्रीम हुआ, ये सारी चीजें आप अपने यहाँ एक डिब्बे में रखिए। तो रात बिरात मान लीजिए कभी आपको चोट लग गई तो तुरंत कहाँ भागेंगे, तो इतना काम आप घर पे कर लेंगे ना अपने से। अब ये जो पट्टी बंधी है, अब अगर इसको उछाड़ा भी जाएगा तब ये चिपकेगी नहीं, है ना, क्योंकि मैंने कॉटन को इस पट्टी के अंदर रख के बांधा है। ये तरीका होता है बांधने का। अच्छा लगा आप लोग को ये? यस सर। क्लैप हो जाए एक बार। ठीक है, चलो बस।